हेलो स्टूडेंट, क्लास सिक्स चैप्टर नेम थ्री। नेम क्या है? एडवांस्ड फॉर्मेटिंग विद एमएस वर्ड। चैप्टर नंबर थ्री है एडवांस्ड फॉर्मेटिंग विद एमएस वर्ड। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इसमें पेज फॉर्मेटिंग। क्या पेज फॉर्मेटिंग? बेटा पेज फॉर्मेटिंग क्या होता है? जो कुछ भी चेंज होगा, कल मैंने जो आपको टॉपिक्स बताए थे जितने भी, वो इसी के अंदर ही यूज होंगे सारे। ठीक है, पेज फॉर्मेटिंग में ही वो सारे इनबिल्ट होंगे। जो भी हमने कल टॉपिक्स बताए हैं कि ये चीज हम लोग पढ़ेंगे, वो सारे टॉपिक्स इसी के अंदर होंगे। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या पेज फॉर्मेटिंग एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट। मतलब ये कैसा पार्ट है? क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट, मतलब आपको जो डॉक्यूमेंट है उसको इफेक्टिव बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, ये हम किससे कर सकते हैं? पेज फॉर्मेटिंग से। एज इज इट्स अपीयरेंस, मतलब अच्छा दिखे। ठीक है, इफेक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पेज फॉर्मेटिंग जो टूल्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इस फॉर्मेटिंग में जो टूल्स हमारे हैं उनको यूज करना पड़ेगा, तभी आप क्रिएटिंग एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं सही से। ठीक है, एमएस वर्ड प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स। एमएस वर्ड जो है प्रोवाइड करता है क्या? वेरियस फीचर्स टू एनहेंस द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। एमएस वर्ड कुछ फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा जिससे आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से दिखा सके, अच्छे से बना सके, अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, उस टाइप का डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें। ठीक है, दीज फीचर्स आर अवेलेबल ऑन द पेज लेआउट। इसके लिए हमें किसका यूज करना? पेज लेआउट में यूज करना पड़ेगा। पेज लेआउट किसके अंदर आएगा? पेज फॉर्मेटिंग के अंदर आएगा। ठीक है, पेज लेआउट क्या है वो मैं इसमें एग्जांपल में बताता हूं। वो दिख रहा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एमएस वर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, एमएस वर्ड, तो एमएस वर्ड के लिए हमें ऑल प्रोग्राम पे जाना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एमएस ऑफिस दे रखा है, इसमें देखिए एमएस वर्ड ही है, लेकिन इसमें ओपन नहीं हो रहा है। देखिए बच्चों, ये हमारा है, ये पूरा क्या हमारा है? पेज फॉर्मेटिंग। ये पूरा इसको क्या बोलेंगे? पूरे को पेज फॉर्मेटिंग। ठीक है, अब इसमें एक हमने बताया था लेआउट, तो ये लेआउट हमारा ये चीज। ठीक है, वो कहाँ है? ये है पेज लेआउट, ये चीज हमको थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा। ठीक है, ये है पेज लेआउट लिखा हुआ है। ठीक है, हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज लेआउट ओपन हो जाएगा। इसमें जो टूल्स हैं वो इसमें ओपन हो जाएंगे। ये है
ठीक है, इसको मैं रफ कर लेता हूँ तो दिखेगा आपको आसानी से। ठीक है, देखिए पेज ले आऊ। अब सबसे पहले इसमें क्या है, अप्लाइंग थीम्स। क्या है अप्लाइंग थीम्स? आपके उसमें था थीम्स लगाने के लिए, फर्स्ट टॉपिक था, सेकंड टॉपिक अप्लाई थीम्स। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में आपको ये दिख रहा है थीम्स लिखा हुआ है, देखिए दिख रहा है थीम्स। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो नंबर थीम्स इसके अंदर आ जाएंगे यहाँ पे। जैसे ये देखिए थीम्स आ गया। ठीक है, ये क्या है थीम्स, डॉक्यूमेंट की थीम्स। अगर हम कोई भी इसमें क्लिक करें, देखते हैं क्लिक करके, कुछ होगा और इसमें कुछ लिखते हैं, देखिए थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा थीम फिर चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए थीम्स, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए चेंज हो गया यहाँ पे थीम्स। ऐसे हम इसको थीम्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, समझाया? ये हमारा कहाँ पे है, पेज लेआउट में। तो अभी हम लोग पेज लेआउट ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पेज लेआउट में जो आपको जो हमने बताए हैं टॉपिक्स वो आपके पेज लेआउट में ही अवेलेबल होंगे। ठीक है, जो 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 मैंने टॉपिक्स बताए आपको, समझे? आप इसे पढ़ेंगे हम लोग अप्लाई थीम्स कैसे करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अप्लाई थीम्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, अ डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट थीम्स इज अ सेट ऑफ क्या है, अ डॉक्यूमेंट इज अ सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, सच एज कलर। अब इसमें क्या क्या होगा थीम्स में, मतलब या बैक थीम्स हम लोग क्या कर सकते हैं, या डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शन। सच एज क्या होगा इसके अंदर, सच एज क्या चेंज करने के लिए होगा, कलर हो जाएगा, फॉन्ट हो जाएगा, एंड इफेक्ट्स चेंज होंगे। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट या सेट ऑफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस सच एज कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट, मतलब अप्लाई थीम से हम लोग ये तीनों चेंज होंगे इसके अंदर। ठीक है, ये कलर्स होगा, फॉन्ट होगा और इफेक्टिव होंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता चुका हूँ। स्टेप ये रखिए बुक में, आप इसे नोट कर लेना स्टेप। ठीक है, अभी मैंने देखिए बताया था आपको कि अप्लाई थीम्स कहाँ पे आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और आपके लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर पर अप्लाई थीम का ऑप्शन होगा, थीम्स का। उसी में बहुत सारे थीम्स अवेलेबल होंगी,
जो आपको अच्छा लगे वो आप सिलेक्ट कर लेंगे वहां से, ठीक है। तो इसके स्टेप आप बुक से लिख सकते हैं। शर्मा कल वो पढ़ेंगे एडिंग पेज ऑर्डर, एडिंग पेज बॉर्डर, ठीक है। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका होमवर्क क्या है, कंप्लीट करके नोट्स, आपको फोटो क्लिक करके भेजने हैं।